स्वरूप बनाया जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का। ऐसा एक मानस में प्रमाण आया कि भगवान जब भरत से मिले ना तो तीन चीज छोड़ दिया था, याद करिएगा, ताप चाप ये। भरत और राम जब मिले ना तो तीन चीज छोड़ी थी, ताप चाप और बेस। ताप का पूरक है संग ताप यानी क्रोध, ताप का शाब्दिक अर्थ है ज्वर, यानी बाबा ने यह कहा है कि भगवान को पहले इतना क्रोध था, क्रोध से इतना उनका शरीर गर्म हो गया था जैसे किसी को ज्वर हो जाए, ताप। लेकिन भरत के प्रेम को देखते तिवारी बाबा ताप छोड़ दिया, यानी वो क्रोध चाप धनुष बाण छोड़ दिया। एक क्षत्रिय एक राजपूत अपना हथियार रख दे तो शरणागति होती। संतों ने कहा वही राम ने चाप रख दिया धनुष बाण रख दिया यानी शरणागत हो गई। चलो ठीक है, प्रेम के आगे, प्रेम शस्त्र के आगे इन शस्त्रों का महत्व तो नहीं है, लेकिन वेश क्यों छोड़ दिया, वस्त्र क्यों नीचे गिरा दिया? तो हमारे बाबा ने हंसते हुए कह दिया कि ये वस्त्र जो है ना ये माया का प्रतीक था, और जब जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो तो वहां माया की कोई जगह है नहीं होती, इसलिए भगवान ने ये वस्त्र ही। अब यहां पर आए शाम को और सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे, आज आनंद उत्सव होगा। इसके बाद भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, राजा नाभी की पत्नी सुदेवी से ऋषभ देव के स्वरूप में अवतार लिया, मनवंतरी स्वरूप में, वो सारे वृतांत को बताएंगे। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आज आपको, ध्यान देंगे, शांति से मुझे सुनिए। भागवत कथा ये कुटुर कुटुर घर में कर ले माए, उधर मैं आज इधर नहीं उधर है, माई 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 लल्ला को क्षमा करो, थोड़ी देर शांत रहो। पूरी भागवत कथा मत सुनो, एक श्लोक को जीवन में उतार लो तो कथा सुनना सार्थक है, और अगर आचरण में नहीं तो सुखताल में जाके 36 साल भागवत सुनना व्यर्थ है। एक बार ब्रज की बालाओं ने कहा मोसो भली श्याम की बंसी, मुझसे अच्छी मेरे भगवान की बंसी है जो अधर पे विराजती है। अब देखिए यहां बांस की गुण नहीं है, बांस जाति का गुण नहीं है, बांस जाति की प्रशंसा हुई क्या, बंसरी के गुण की प्रशंसा। बंसरी का पहला गुण ये बिना बुलाए बोलती नहीं, मेरी बहनों बंसरी बिना बुलाए नहीं बोलती, ऐसे बिना प्रयोजन का चर्चा विवाद का कारण बनता है। बंसरी खोखली है उसमें कोई कपट की गांठ, और उसके सीने में इतने जख्म है फिर भी मीठा बोलती है। यही तीन गुण आप में आ जाए तो आपने भागवत कथा सुन ली, और नहीं आए तो फिर तो भैया वही रहेगी कि अंगने में कुइयां सैया डूब के, जरा सा झगड़ा हो गया, ससुर जी ने कहा बेटा अगली बार साड़ी दे दूंगा, पति ने कहा अंगूठी बाद में ले दूंगा, तो बस ये सब इमोशनल अत्याचार की दुकान है, भागवत कथा का कोई मतलब नहीं है फिर। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट सोमेंस लाइफ। चले मधुर संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे, और मैं आपको बता दूं शाम को भगवान का जन्म होगा, सुंदर सुंदर मनोहर झांकियां निकालें, यथाशक्ति भगवान के लिए दान पुण्य करें, जो भी आप करते होंगे आपके यहाँ की जो परंपरा है, पंजीरी बनाते, कोई
लल्ला को नजरिया, कोई कान में सोने का, जो भी चीजें व्यवस्था करते लोग वो दान करते हैं। क्योंकि देखो जी ये व्यवहार है, अगर आज आप भगवान के लिए करोगे तो भगवान आपके लिए करेगा, और नहीं करोगे तो मत करो। बाबा तो आज यहाँ है, कल दूसरे गांव में जाके कथा करेंगे, मुझे तो लेके जाना नहीं। पर बदला है ये, अगर तुम उसके लिए करोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा। बाजार में नमक खरीदो तो क्या बोलते, क्या भाव है? भगवान बिना भाव के नहीं मिल जाएगा। दान करो, सोना चांदी बहुत सी चीज लोग दान करते हैं, यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा जिसकी जैसी व्यवस्था होती है। दो ही तो महत्व होता है, एक भगवान का जन्म, दूसरा रुक्मिणी का स्वयं। रुक्मिणी के स्वयंवर में भी पंच वस्त्र से, पंच कपड़ों से लेकर के सोना चांदी मेहंदी सिंगार तक लोग चढ़ाते हैं। बाकी भावे ही विद्यते, जिनको ठाकुर ने ऐसा नहीं बनाया वो तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दे तो वही फल मिलता है। भाव निर्मल होना चाहिए। बिहारी तेरे चरणों में वारी वारी जाओ, बिहारी तेरे चरणों अश्विनी जी, हितेंद्र चौहान जी।
भगवान नंदलाल की, जिनके जिनके हाथ सही सलामत है जोर से उठा के बोले जाए। यहाँ शर्म मत करियो भाई है, गांव में शादी होती तो आज मेरे मैया भी बोलती है, बहन भी ताऊ भी तो मार लेता आज मेरे। अरे बिहारी की क्या काम है ना, ओ बाके बिहारी लाल नहीं तिना किया करो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ बाके बिहारी लाल नहीं तिना किया करो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। Thank you.
होवे सरकार। द्वितीय पहर सायंकाल में हमारे कृष्ण जी का जो है जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग जो है अपने ग्रह से अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र, चावल, गेहूं, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शक्कर यहां लाकर के जो है दान कर सकते हैं। इच्छा अपनी इच्छा अनुसार जो है सोना, चांदी, वस्त्र, कन्हैया जी के लिए खिलौने, टॉफी, फुग्गे इत्यादि यहाँ पर जाकर सजा सकते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।
हूँ एक निवेदन, ओम शांति। आप लोगों से एक निवेदन, भगवान का अवतार होगा भी थोड़ी देर में, प्रसाद जो भी है ना एक तरफ से तारतम्यता से लाइन में बांटे, और दर्शन के लिए भी तारतम्यता से आए। ये दिन बार बार नहीं आता, नहीं कई जगह पर मैंने देखा है कि भगवान के प्रसाद को ऐसे फेंकते हैं जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी भी किस काम की, शांति से बिल्कुल आनंद आएगा। भगवान देवकी के गर्भ में आ गए, और जिस दिन गर्भ में आ गए उनकी प्रसन्नता बड़े तेज बढ़ गए। सप्तमी अष्टमी, अष्टमी की तिथि है, भगवान का आगमन होना है, और मेरे भाग्य विहारी ने सूक्ष्म स्वरूप से तिवारी बाबा सूक्ष्म स्वरूप से तेज पुंत रूप में अवतार लिया। हरि भय प्रगट कृपा दी। देखो मैंने जो वादा किया था मैं वही हूँ, लेकिन यशोदा को डर लगने लगा, कहे प्रभु अब रहने दो, नहीं कोई देखेगा तो कहेगा यशोदा के घर में भूत ने जन्म लिया, राक्षस ने। अरे सीता